हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोस सेकेंड लेसन अलेटर टू गॉड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। गाइस, प्रोस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा वॉच करिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके राइटर जी एल फ्योंस हैं, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर का पहले ट्रू और फॉल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस है, लेंचो आज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। आपको बताना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो आप लोगों ने पहले ही इस चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला सेंटेंस देख लीजिए, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये ट्रू है, बताएंगे आप लोग, ये ट्रू है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड इन द वैली बिलो। लेंचो का घर घाटी के नीचे स्थित था। नहीं, टॉप ऑफ द हिल, ये फॉल्स है, सेकेंड फॉल्स जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। फसल तूफान में पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। यस, ऑफ कोर्स, थर्ड नंबर में ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, लेंचो वॉज एन एक्स ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक परिश्रमी किसान था। लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा। फाइव नंबर देखते हैं, द पोस्ट मास्टर टैप्ड लेंचोज लेटर ऑन हिज डेस्क। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर को टेबल पर रख करके या डेस्क पर रख करके टैप्ड किया था, थपथपाया था, याद करिए। हाँ, ऑफ कोर्स, ये भी सेंटेंस ट्रू हो जाएगा। सिक्स नंबर देखिए, द पोस्ट मास्टर गैदर टुगेदर द 100 पैसेस। पोस्ट मास्टर ने 100 पैसों इकट्ठा कर लिया था, बताइए। द पोस्ट मास्टर गैदर टुगेदर द 100 पैसेस। पोस्ट मास्टर ने 100 पैसों इकट्ठा कर लिए थे। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। कितना इकट्ठा किया था उन्होंने? ओनली 70 पैसेस इकट्ठा कर पाए थे वो। नेक्स्ट है, गॉड सेंट ओनली 70 पैसेस टू लेंचो। ईश्वर ने लेंचो को केवल 70 पैसेस भेजे थे। नहीं नहीं भाई, ईश्वर ने नहीं भेजे थे, पोस्ट मास्टर ने भेजे थे। ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स थे। किसने कहा था? पोस्ट वो लेंचो ने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, यस, कहा था। ठीक, क्या है ये? ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी ट्रू और फॉल्स को ट्रू और फॉल्स करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, इन 3 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोर सुटेबल चॉइस। पहला नंबर है, वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, घर कहाँ स्थित था? इन द वैली बिलो, इन द लेंचोज फील्ड, ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। यस, थर्ड नंबर, ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर घर स्थित था। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, लेंचोज कॉर्न फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई। लेंचोज कॉर्नफील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई। लेंचो की कॉर्नफील्ड कैसे पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी? ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, हेल स्टॉर्म या प्लग ऑफ लोकस्ट्स। क्या हो जाएगा इसमें? हेल स्टॉर्म, तूफान में, ओलावृष्टि में
लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। थर्ड सेंटेंस देखिए, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो अपनी सिर्फ एक ही आशा को सोचता रहा, वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, द हेल्प ऑफ जनरस पीपल। विच इज़ द राइट आंसर? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। अब लेंचो ने सिर्फ एक ही उम्मीद की थी, क्या उम्मीद की थी? द हेल्प ऑफ गॉड। तो देख लीजिएगा पहला सेंटेंस में क्या है, वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेकेंड नंबर है, लेंचोज कॉर्न फील्ड वॉज स्लोली डिस्ट्रॉयड बाई द हेल स्टॉर्म। थर्ड नंबर है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, इसमें क्या हो जाएगा? द हेल्प ऑफ गॉड। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखिएगा। फोर्थ नंबर है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर टू। पोस्ट मास्टर ने पत्र का जवाब देने का निर्णय किया के संदर्भ में, क्यों उन्होंने सोचा कि हमें पत्र का जवाब देना चाहिए? एक्ट एज द एजेंट ऑफ गॉड, गॉड के एजेंट के तौर पर, या फिर इंजॉय फन आउट ऑफ हिज एक्ट, अपने कार्य का मजा लेने के लिए, या नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए मदद करना चाहता था जिससे कि लेटर राइटर का ईश्वर के प्रति विश्वास ना टूटे। विच इज द राइट आंसर? ऑफ कोर्स थर्ड नंबर इज द राइट आंसर, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर के प्रति लेटर राइटर का विश्वास न तोड़ने के लिए पोस्ट मास्टर ने पत्र का जवाब देने का निश्चय किया। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, लेंचो नीडेड मनी वेरी मच, लेंचो को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, सो ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द मेल, बिकॉज इसलिए उन्होंने लेंचो से रिक्वेस्ट किया कि बचा हुआ पैसा को मेल से ना भेजें। क्यों? बिकॉज ही नीडेड इट वेरी अर्जेंटली, उसको बहुत ही अर्जेंटली इसकी आवश्यकता थी, या फिर द मेल वॉज ऑफन गॉट डिलेड, मेल प्रायः देर में पहुंचता है, या फिर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर बंच ऑफ क्रुक्स, या फिर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के समूह थे। यस, द राइट आंसर इज थर्ड नंबर, लेंचो को लगा था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स एंड दे हैव टेकन अवे माई 30 pesos फ्राम द पॉकेट फ्राम द envelope which was sent by the god 100 pesos to help me. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फाइंड आउट वर्ड्स इन योर इंग्लिश रीडर हैविंग द फॉलोइंग मीनिंग्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गिवन एज अ हिंट। पहला सेंटेंस, पहला वर्ड देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला सेंटेंस है, द प्रोसेस और पीरियड ऑफ गैदरिंग इन क्रॉप्स, फसल को इकट्ठा करने का या फसल को तैयार करने का पीरियड क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है, HARVEST हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो H से है ना, H से हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग हो जाएगा। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन फॉलिंग इन शॉर्स फ्रॉम क्लाउड्स, जमा हुआ पानी या बारिश जो आसमान से बौछार की तरह धरती पर गिरता है, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन। ये हेल स्टोन हो जाएगा, हेल स्टोन्स होता है जो जम करके धरती पर गिरता है पानी। थर्ड नंबर है, द टॉप ऑफ रेज पर्वत की चोटी, क्रिस्ट CREST क्रिस्ट मीन्स चोटी, सी है, सी से क्रिस्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, पर्सन्स हु आर डिसऑनेस्ट आर क्रिमिनल, वे लोग जो क्रिमिनल होते हैं डिसऑनेस्ट होते हैं, क्रुक्स CROKS क्रुक्स हो जाएगा ना, था उसमें बंच ऑफ क्रुक्स।
बेईमानों का समूह, तो क्रुक्स हो जाएगा ये। तो देखा आप लोगों ने, पहला नंबर में क्या हो जाएगा हार्वेस्ट, दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा हेलस्टोन, तीसरे में क्या हो जाएगा तीसरे में जाएगा द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द रिज जाएगा ये क्रिस्ट क्रिस्ट, चौथे में हो जाएगा क्रुक्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैथ्स भी फॉलोइंग करनी है, वैकेबलरी है, 4 मार्क्स का आता है। वैसे मैंने वैसे इसमें आंसर भी दे दिया गया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग अंडर ए विद देयर मीनिंग्स अंडर बी क्रुक्स, क्रुक्स में होता है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्रुक्स, बेईमानों का समूह, इसको हम मिलाएंगे क्रुक्स को डिसऑनेस्ट से। फिर है प्रेडिक्ट करना, मीन्स भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट को मिला देंगे फोर कॉस्ट से या फोर टेल से। थर्ड है एमिएबल, मीन्स फ्रेंडली बिहेव करने वाला व्यक्ति, ये हो जाएगा सेकेंड से। फिर है आपका इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होता है नज़दीक से, क्लोजली हो जाएगा इसमें, ये क्लोजली दिया हुआ है। फिर है फर्म, मीन्स होता है दृढ़ मजबूत सख्त, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। फिर है डिस्ट्रॉयड नष्ट होना रूइंड, ये इस प्रकार से पूरा मिल गया है। आइए आगे देखते हैं, ये मैच दी फॉलोइंग आपके लिए है, इसे आप लोग करके देखिए एक बार। क्रुक्स, प्रेडिक्ट, एमेबल, इंटीमेटली, फर्म और डिस्ट्रॉयड। प्रैक्टिस करने के लिए भी ऊपर आप लोगों ने किया है, मिलाइए सब लोग, मिलाते हैं। क्रुक्स मीन्स क्या होता है, बेईमानों का समूह, ये मिल जाएगा डिसऑनेस्ट पीपल से। फिर है प्रेडिक्ट मीन्स फोरटेल, एमेबल फ्रेंडली intimately, closely, firm, strong, destroyed, ruined। पढ़िएगा इसको ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks देखते हैं, fill in the blanks important है board exam purpose से। देखते हैं question है, fill in the blanks with the given words in the following sentences, dropped, amiable, drabbed, crooks, हाउ टू राइट और प्रिडिक्टेड। ये ऐसे वर्ड हैं, 6 वर्ड्स हैं जिसको हमको 6 सेंटेंसेस में भरना है। तो पहला सेंटेंस से शुरुआत करते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, ये हो जाएगा पहला नंबर प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। दूसरा है With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flower. फिर समझिए, With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flowers in a curtain of rains. इसमें क्या हो जाएगा? Drabbed. Satisfied expression. देख लीजिए इसको एक बार. क्या हो जाएगा? With a satisfied expression, पूर्ण संतुष्ट भाव के साथ, He regarded the fields of ripe corn. उसने पकी हुई अनाज की तरफ ध्यान दिया, with its flower, जो कि फूलों से लदी हुई थी, in a curtain. Curtain means पर्दा, rain means बारिश के, तो जाएगा drabbed, ढक गया था, तो ये हो जाएगा second number में drabbed. Third number देख लेते हैं, third number है But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Third number, bunch of crooks. इसके बाद next देख लेते हैं, fourth number में Lencho was an axe of man working like an animal in the field, but still he know how to write. ये fourth number हो जाएगा, how to write, लिखना भी उनको मालूम था कि कैसे लिखा जाता है। लेंचो खेतों में ऑक्स की तरह काम करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अभी मालूम था कि हाउ टू राइट अ लेटर। फाइव नंबर है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट। फाइव नंबर ड्रॉप्ड इट कहते हैं। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उन्होंने लेटर
मेल बॉक्स में डाल दिया, बट इंटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाल दिया तो इसमें 5 नंबर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर की बात कर दो। पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो, ये एमिएबल हो जाएगा 6 नंबर में, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिएगा, पहले नंबर में हो जाएगा प्रिडिक्टेड, सेकेंड नंबर में हो जाएगा ड्रैब्ड, थर्ड नंबर में हो जाएगा क्रुक्स, फोर्थ नंबर में हो जाएगा हाउ टू राइट, फाइव नंबर में हो जाएगा ड्रॉप्ड और सिक्स नंबर में हो जाएगा एमिएबल। इस प्रकार से ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अपने से करिएगा, इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करके प्रैक्टिस करिएगा गाइस। तो ये था अभी तक का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग्स। इसको आप लोग एक दो बार वीडियो को रिवॉच करिएगा तो ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो अभी तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।